दिल्ली में फिर से बारिश ने कोहराम मचाया, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गया और फिर से दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक माँ और बेटे की मौत हुई है। सर, फिर से जल बोर्ड नाकाम, फिर से MCD नाकाम, पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार नाकाम है, अरविंद केजरीवाल सरकार का हर विभाग नाकाम है, क्योंकि ये सारे के सारे विभाग सिर्फ एक काम कर रहे हैं, कैसे पैसा कमाएं, कैसे भ्रष्टाचार करें। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है, ये बात हम 3 महीने से कह रहे थे, अब मैं दस्तावेज के साथ कह रहा हूँ, दिल्ली में नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ चोरी की गई है, भ्रष्टाचार की गई, नालों की सफाई नहीं की गई। दिल्ली को सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया है, दिल्ली 8-8 घंटे जाम में झूमे, दिल्ली में लोग करंट से मरे, दिल्ली में लोग बेसमेंट में पानी भरने से मरे, इससे दिल्ली की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो अपनी जेब गर्म करनी है। 2022 में जो सिल्ट निकाली जाती है, जो गाद निकाली जाती है, जिसे नालों की सफाई का नाम दिया जाता है, इरीगेशन डिपार्टमेंट ने 3 लाख मैट्रिक टन गाद निकाला, दिल्ली MCD ने 2 लाख मैट्रिक टन, PWD ने 2 लाख मैट्रिक टन, जल बोर्ड ने 40,000 मैट्रिक टन, उस सबके दस्तावेज हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार उसमें घालमेल शुरू हुआ। और आज चाहे PWD हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, जल बोर्ड हो, मैं इनके दावे के साथ कह रहा हूँ, ये हमें दस्तावेज दिखाएं कि कहाँ है, अगर गाद निकली है वो गाद कहाँ डाली गई है वो जगह बता दें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गाद उठा के अपने घर में ले जाएंगे, बाल्टी में सजा के रख लेंगे या अलमारी में रखेंगे, अगर वो गाद निकाली गई है तो कुछ कहीं डालने की जगह होगी ना, और क्योंकि गाद डालने का एक प्रोसीजर है, जो भी ट्रक उस सिल्ट को लेके जाता है उसे पहले प्री इन्फॉर्म करना पड़ता है एजेंसी को, उस ट्रक का वजन तोला जाता है, कितने टन गाद है उसको डंप किया जाता है, उसके बाद उस ट्रक की वापसी होती है, फिर उसकी पेमेंट होती है, उन सबकी वीडियोग्राफी होती है। तो मैं आतिशी मार लेना, सोरा भारद्वाज, शैली ओबराय, इन सबसे कहता हूँ दिखाए हमें वीडियो, दिखाए दस्तावेज, क्योंकि सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, एंट्री दिखाइए हमें, सिर्फ कागजों पे करोड़ों रुपए का खेल खेला गया और इन सब की जेबें गर्म की गई। आपकी क्या मांग है इसकी? हमने CBI जांच की मांग की है, ये दिल्ली की लोगों की जान के साथ खेलने का षड्यंत्र दिल्ली की सरकार ने रचा है, सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, हम CBI जांच की मांग करते हैं और जो जो दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, एक लास्ट सवाल है, राजेंद्र नगर की बात करते हैं, 27 को पानी, बारिश का वाटर लॉगिंग हुआ, फिर कल बारिश हुई, फिर वाटर लॉगिंग, 27 के बाद बोला गया कि सफाई किया गया, तो फिर पानी कहाँ से भर गया? कुछ नहीं है सर, अगर सफाई की गई होती ईमानदारी से तो दिल्ली का ये हाल नहीं होता, इन्होंने सिर्फ सफाई की है लोगों की जेब पर, तो करोड़ों रुपए का टैक्स का पैसा अपनी जेब में डाल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए, हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली BJP अध्यक्ष बीरेन्द्र सचदेवा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सफाई के नाम पे घोटाला हुआ है और वो CBI मांग करते हैं, CBI जांच की मांग करते हैं और जल्द से जल्द CBI इस पे जांच बैठाए ताकि सच्चाई सामने आ जाए, क्योंकि गाद निकालना और दिखाना अलग बात होती है। अभी से एक नया ABP लाइव दिल्ली।